सरोज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवरात्र व्रत स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे समक की कढ़ी। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये यूनिक रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं इस यूनिक और नई रेसिपी को बनाना। समक की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हरी मिर्च। ग्रीन चिल्ली को मैंने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ग्रीन चिल्ली के टाइप कलर वेराइटी की बात करें तो ग्रीन चिल्ली के बहुत सारे टाइप कलर होते हैं, येलो, रेड, पेरी पेरी बेल नाम से भी जानते हैं, शिमला मिर्ची, पटना मिर्ची, आपके पास जो अवेलेबल हो वो ले सकते हो। मैं यहाँ पर ग्रीन चिल्ली, नॉर्मल वाली ग्रीन चिल्ली ले रही हूँ। ग्रीन चिल्ली के साथ लेंगे अदरक का छोटा टुकड़ा। ग्रीन चिल्ली और अदरक को मिक्सी के जार में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तड़का लगाने के लिए हम 2 टीस्पून शुद्ध देसी घी लेंगे। व्रत के लिए बना रहे हैं तो ऑयल यूज में नहीं लेंगे। साथ में लेंगे 3-4 लौंग, ग्रीन चिली पेस्ट जो अदरक और हरी मिर्च को पीस कर हमने बनाया था, 3-4 काली मिर्च, काली मिर्च को दरदरा पीस लेंगे। 1 बड़ी कटोरी छाछ लेंगे। छाछ को आप डेयरी से भी ला सकते हो या घर पे भी बना सकते हो। घर पे बनाने के लिए आप दही में पानी डालकर दही और पानी को अच्छे से मत कर इसकी छाछ बना लें। 1 बाउल लेकर इसमें ऐड करेंगे सामक। इसे व्रत के चावल, समा के चावल या जंगली घास समा भी कहते हैं। समा बारीक दानेदार होता है, जैसे चावल के छोटे छोटे टुकड़े हो, लेकिन ये चावल नहीं होता। समा को वॉश करके इसमें पानी ऐड करेंगे। जितने समा लेंगे उसे डबल इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि समा फूल जाते हैं। इसे बॉईल करने के लिए पानी हमेशा डबल लगता है। मैं यहाँ 20 ग्राम समा ली हूँ। समा को बॉईल करने के लिए गैस ऑन करेंगे और समा को बॉईल करेंगे। जब तक समा बॉईल होंगे तब तक हम समक की कढ़ी बनाने के लिए इसका तड़का लगा लेते हैं। फिर से गैस ऑन करके एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे घी। एक बात मैं फिर से दोहरा देती हूँ, घी की जगह आपको ऑयल नहीं लेना क्योंकि समक की कढ़ी में घी से टेस्ट अच्छा आता है। घी में पहले थोड़ी सी लौंग डालकर देखेंगे घी गर्म हुआ है या नहीं। घी अभी गर्म नहीं हुआ, इसे और थोड़ा गर्म होने देंगे। घी हल्का सा गर्म होने लग गया, अब इसमें ऐड करेंगे लौंग। लौंग तड़कने के बाद इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ में अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। सारे मसाले को मिक्स करके कंटिन्यू स्टार करेंगे जिससे हमारा मसाला जलेगा नहीं और गैस की फ्लेम को भी लो रखेंगे वरना मसाला जल जाएगा। इसे ज़्यादा नहीं पकाना, 2-3 मिनट तक पकाएंगे। इसे कंटिन्यू स्टार करते रहेंगे। हल्का सा पकने के बाद इसे कंटिन्यू स्टार करते हुए इसमें छाछ ऐड करेंगे। आप देख सकते हो मैं इसे कंटिन्यू स्टार करते हुए छाछ ऐड कर रही हूँ, इससे छाछ फटेगी नहीं। अगर आप इसे बीच में छोड़ दोगे तो छाछ फट जाएगी। छाछ ना फटे इसलिए इसको कंटिन्यू स्टार करते रहना है। छाछ फट गई ये कैसे पता चले? छाछ और पानी इसमें अलग अलग आपको दिखने लग जाएगा। छाछ फटने से ना हमारी कढ़ी अच्छे से बनेगी, ना ही इसका टेस्ट अच्छे से आएगा। जब तक इसमें एक बार उबाल नहीं आ जाता तब तक इसे कंटिन्यू स्टार करना है। इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू। हमारे समा भी बॉईल होने लग गए, इसमें से पानी अलग नहीं निकालेंगे। समा भी बॉईल हो चुके हैं, आप हाथ लगाकर भी चेक कर सकते हो और गैस बंद कर देंगे। छाछ में उबाला नहीं लग गया, इसे 1 मिनट तक थोड़ा तेज स्टार करेंगे। कढ़ी बनाते समय एक बात का ध्यान रखें, इसमें घी कम डालें क्योंकि कोई भी पतली सब्जी या कढ़ी बनाते हैं तो उसमें घी ऊपर तैर कर आने लग जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड किया है, वो भी आपको ऊपर दिखने लग गया होगा। छाछ को इसी तरीके से कंटिन्यू स्टार करते हुए पकाएंगे। जब तक छाछ पक ना जाए तब तक इसे स्टार करेंगे। छाछ पकने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे। मुझे कढ़ी की कंटेंसी थिक रखनी है क्योंकि कढ़ी थिक ही अच्छी लगती है। पानी को बॉईल होने देंगे, इसे कंटिन्यू स्टार करेंगे। पानी जब बॉयल होने लग जाए तब इसमें ऐड करेंगे समक। समक थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि इसकी कंटेंसी का हमें ध्यान रखना है, ये गाढ़ी ना हो जाए।
डालने के बाद इसमें डालेंगे सेंधा नमक। काला नमक भी ऐड कर सकते हो, लेकिन व्रत के लिए बना रहे तो सिंपल नमक नहीं डालेंगे। समक डालने के बाद 2 मिनट और चलाएंगे। 2 मिनट स्टार करने के बाद गैस बंद कर देंगे। व्रत के लिए टेस्टी समक की कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।